अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन चैप्टर नंबर टू टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखा कि हमारे पास वो किस तरह से आती है। आज हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये ग्राफ था, हमने देखा था कि हमारे पास इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था, टाइम था, डिस्टेंस था। इसी तरह हमारे पास जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, तो रेस्ट की हालत में होगी तो यहाँ पे होगी, जैसे वो मूव करना शुरू करती है वीआई वेलोसिटी के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और फिर कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वीएफ हो जाती है। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वाला, यानी कि इतने एरिए में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, फासला तय किया इतने एरिए में। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रिक्टेंगल, अब ये हमारे पास, ये इतनी चीज़ हमारे पास रिक्टेंगुलर है, रिक्टेंगल है, यानी कि ओ ए और सी बी हमारे पास क्या है, रिक्टेंगल। इसका जो फार्मूला होता है रिक्टेंगल का, एरिया का, ये रिक्टेंगल जो रिक्टेंगल होती है उसका एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हमारे पास ये ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओ ए किसकी इक्वल है, बी आई के, और ओ डी किसकी है, टी के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। यहाँ अब हमने ए बी सी, ये हमारे पास रिक्टेंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इसमें हमने 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी लिखा। तो अब हमारे पास जो 1/2, और हमने देख लेना है जो ए सी है हमारे पास है वो किसके बराबर है, वो टी के बराबर है। ये ए सी और ये इसके पैरेलल है ना ओ डी के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन टी के इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई बी सी। अब यहाँ से ये वी आई थी, कुछ टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी थी वो वी एफ हो गई थी, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड गेन किया वो ए टी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए टी लगा देंगे। अब 1/2 ए टी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है जो कि एस के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिक्टेंगल। तो हमने दोनों को, जो हमने ट्राइंगल और रिक्टेंगल का निकाला एरिया, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वी आई टी प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। तो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो कि बॉडी ने ट्रेवल किया है इस एरिए में। अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है कि इसमें भी हमने टोटल जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो कि अंडर द ग्राफ, यानी कि हमारे पास ओ ए और बी डी इतने में, मैंने पहले भी बात की सेकेंड इक्वेशन में कि इतने एरिए में ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ओवर टू मल्टीप्लाई वन ओ डी। इसका जो फार्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी डी, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। और ओ डी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 को इधर ले गए लेफ्ट साइड पे, तो 2s ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब हमने दोनों साइड पे बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैंने दोनों साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इस ओ डी से वो ओ डी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। अब हमने देखना है ये किसके इक्वल है, तो बी सी और ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ए के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो ओ ए प्लस बी डी है, ओ ए प्लस बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई प्लस वी एफ, क्योंकि ओ एफ यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वी आई है, बी से डी जाएंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एफ है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है, बी सी, तो बी सी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, तो वो वी एफ माइनस वी आई। अब हमारे पास ये फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी और a माइनस बी हो, तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह हमने क्या करना है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी आई को पहले नहीं लिखना, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, और वो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।